पाक औज़ु बिल्लाह इमन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज दोस्तों साथियों बुजुर्गो हाजरीन मजलिस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटेलिजेंस अदारे और इंकलाबी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरफ से तमाम जिम्मेदारों की तरफ से जहाँ जहाँ ये हमारा आवाज पहुँचेगा और पहुँच रहा है सबको हमारी कैबिनेट और जिम्मेदारों की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अजीज दोस्तों आप सबको इस बात का इल्म होना चाहिए, हमारा किसी के साथ टकराव नहीं है, हमारा टकराव उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने आपके हकूक का पर कब्जा किया हुआ है। इंकलाबी मुस्लिम लीग पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इन बच्चों की इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि 75 साल से ये मुल्क पाकिस्तान पर जागीरदार बडेरा सरमायादार हुकूमत कर रहा है, क्या इन बच्चों में से कोई आगे नहीं आ सकता? हम अल्लाह के फजल करम से इंकलाबी मुस्लिम लीग पाकिस्तान और भी सब इन बच्चों से एमपीए मैंने बनाया इंशाल्लाह। ये किसी के बाप की विरासत नहीं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सब गरीब आदमी का है और अल्लाह के फजल करम से आपको इस बात का इल्म होना चाहिए जो लोग आप पर हुकूमत कर रहे हैं, मैं खुदा का वास्ता डाल कर कहता हूँ ये इन लोगों के दोस्त नहीं हैं। अगर दोस्त हैं तो मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, ये सवाल का मुझे जवाब दें। खुदा को हाजिर नाजर करके आप सबको आधा आधा किलो रात को दूध मिलता है? जिसको मिलता है वो हाथ खड़ा करे। और जालिमो देख लो ये के पाकिस्तान की आवाम है, इनमें से एक आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया जिनको रात को आधा किलो दूध मिलता हो। अफसोस की बात है, इन मोहल्ले वालों से पूछता हूँ जिनके पास हमारी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, इन बच्चों से पूछ लो किसी को आधा किलो दूध नहीं मिलता, इनको जूते पहनने के लिए जूते नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे। ज़ालिमों क़यामत के दिन तुम्हें हिसाब मिलेगा। इंकलाबी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजलो करम से इन बच्चों को ये बताना चाहती है कि ये मुल्क पाकिस्तान आपका है, किसी जगीर पाकिस्तान नारे तकबीर।